अस्सलाम वालेकुम, मैं खुबाब रहमान, तुसरे पर मेरा यूट्यूब चैनल खुबाब रहमान। आज का व्लॉग एक सैड न्यूज़ ना ले सूफी भाई, तुसे सारे जान दे उसे जड़े सारे नाल होने सूफी भाई साकी भाई, उन्हें दी भतीजी फौत थी गी सवेर नाल हूँ उन्हें दे जनाजे दा टाइम थी मना लैसा। फिलहाल जुलदे पे उन्हें घर इतू सामने ये ईम है उत्थ जुलदे पे थोड़ी देर उत्थ टाइम ले सुबह 2 बजे है जनाजा 1 बज के 15-17 मिनट इतना थे बदे हूं तक मुबशर ते मैं जड़ी तिली ऊंज बार कट आए हैं ना उसको साफ करें दे रह गए सुकने सट्टी खड़े हैं कुछ मौसम साफ है जड़ी पंडा इंच पई रह गई है उसको उल्ली लग गई है तकरीबन इवें समझो कि 10-20% जड़ी ना वो खराब थी गई है बाकी जड़ी गट्टू है चाहिए वो भी थोड़ी थोड़ी सीनी थी है लेकिन वो बेहतर है हूँ जुलते हैं तो तुसे सारे ने दुआ करना है कि अल्लाह पाक उसको जन्नतुल फिरदौस जगह देवे तो उन्हें माँ प्यो को सबर जमील अता फरमावे वो अपने माँ प्यो वास्ते ते सारे खानदान वास्ते बख्शिश दा जरिया बने बाल जड़ा ना मासूम होने। कितने साल दी बाल दी आई? एक साल दी तकरीबन। साल दी आई मतलब। चलो अल्लाह पाक को जन्नत अल फिरदौस देवे। जिन्हें दोस्तों ने आज तक सारे चैनल को सब्सक्राइब को नहीं किया जल्दी जल्दी मारो सब्सक्राइब वाल शुरू करें पे आज दी सैड वीडियो। व्यूअर्स जनाजा जड़ा ना वो ट्राली दे गेने ने पे नाल आले चाक के छे जनाजा वो सामने ट्राली वेंदी भी असा थोड़ी देर तक निकलते हैं वो कुछ सफर कर वन पिछू पहुंच जलसो सारी आवाम अपने अपने सवारियां ते बह गई ते हुन निकलदे पए ने उडे जनाजा गा दी तरफ ट्राली कुछ सफर कर गया उसे जनाजा हैंड ब्रेक ने छिकी मैं दसो तो सही मामा जी वैसे मैं क्या पता मैं कोई ड्राइवर हूं बस ड्राइवरों के नाल तो बदे रहंदे असा बकरिया चलावण वाले बंदे हैं जी हाँ जी हाँ साकू पता है जड़ा तू सो तो वो हैवी ड्राइवर हो साक क्या पता था गियर किधू लगता ब्रेक किधू मेरे ने वाह 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 वालेकुम अस्सलाम इन्ना लिल्लाहि व इन्ना अलैहि राजिऊन अल्लाह पाक बेबी को जन्नतुल फिरदौस जगह देवे थाक सब्र जमील देवे आमीन व्यूअर्स जनाजा पढ़ीच के ते दुआ करे वंस अगेन अपील है के अल्लाह पाक उंदे फैमिली को खानदान को वालिद वालदा खास तौर ते उना को सब्र जमील अता फरमावे सामने दफने ने पेन थोड़ी देर उठा जुलदे हैं दफनो आ गिनदे हैं ते वाल निकल दे हैं घर व्यूअर्स दफन तकरीबन कर गए हैं सामने निकल लेते हैं वो तो बदल बदल था ऐसा ने मौसम खराब थी गया तो सारी सारी मेहनत आज जाली लगी वैसी की में हाल है ठीक है जी ठीक हो दिसते ही नहीं वे इंशाल्लाह जुलदे हो सारे नाल ताओ ठीक ठीक है ठीक ठीक है वेलकम बैक व्यूअर्स आ गए वापस घर मुर्शिद चोला छोला ला दी सी वत अपना काम शुरू करें दे पे आज मैं को लगदा सारा सारी दीवार इं है टपे सी को कुंजेंदे छुंजेंदे ऊपर मुर्शिद देख धूप लग गई है तो ऊ कोई बात है एक बार टपे सु ठीक है छाना रखो पखा वत लेटाओ अंदरू बैग टू कडो सफाई करके धूप लवा गिनो इना कोई ओ ना होवे शाम थी वने तो बात काम सारा रह वने वे सवेरे दी दीवार इं है चलांग वने पखा हुन थोड़ा पीछा दूर करके लामी यार नेड़े लेने है ना फुल हवा नहीं लगदी सारे तू थोड़ा दूर ला भी सारे को हवा लगे जेड़े तले डावे पूरे छाने दे तले हवा टप्पे मतलब असा व्यूअर्स एक कम मुकाग नु वाल मिलदे हैं या टाइम लैप्स है तो अगड़ी खावा टाइम लैप्स लाऊं नहीं क्या दिखाऊंगा देख ऐसे ओ भाई जान क्या हाल है बिस्मिल्लाह भाई जी क्या हाल है सवेर दा देख देख रास्ता जनाब नहीं है केड़ी गेम अच्छा टक टक ए वापसी आ के सकरेने साहब दुकान ते काम है को छोटा जा करके आंदे पे आज भाई वाल यो करेने हां वाल साके बल जुल दे उंदे घर दुकान ते काम है हां चलो दुकान ते यार उन्ना दे मकान बनदे पन सीमेंट हम साया दी पई आई उथई अच्छा ओ जेड़ा है ना वालो हुन आ गया बिचार के दे सीमेंट चलो ठीक है चलो ओ मोड़ टका टक कर किंदा उने टका टक मैं तुम इवें दे जल्दी चलना ना इवें वा वाल फायदा देखो ए तू प्रैक्टिस कर ए हां ठीक गुजारा चलदा पे खड़का तेरा पियो ही हो टक टक सारी जिंदगी कीती है अब पोतरी उसे टक टक थे
ਬੰਦਾ ਬਣ ਬੰਦਾ ਬਣ ਔਲਾਦ ਕੋ ਨਹੀਂ ਗਲਤ ਗਾਲੀ ਕਰੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਗਲਤ ਗਾਲੀ ਕਿਸ਼ਾ ਦੇ ਹੁਣ ਉਹ ਟਕ ਟਕ ਜੋ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਖੜਕਾਈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਖੜਕਾਈਂਦਾ ਪਿਆ ਇਹ ਗੇਮ ਹੁਣ ਆਈਏ ਮੈਂ ਖੜਕਾਂਦਾ ਉਸਾ ਇਹ ਗੇਮ ਵੀਵਰ ਆਈ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਟਕ ਟਕ ਪਹਿਲੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੋਂ ਚੰਗੀ ਲੱਗਣੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਵਡੇਰੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਤਬਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਉਹ ਸੁਣਨੀ ਹੈ ਇਨਕਾਰ ਛੋਣੀ ਉਲਟਾ ਕੋ ਫੌਰਨ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਯਾਰ ਬਾਲਾਂ ਕੋ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦਾ ਪੈ लानत कर टिली सारी कुंजवाई जड़ी इथे खिंडी पई अंदर गटुआ च पा के खड़ा दी से एक धोपी को बई लवे सो क्योंकि अज दी दीवार को टैक टिका के धोप कहनी लगी असब साकी चाचू कोल वेंदे पे ओ साकी चाचू दी भतीजी फौत थई है पुछण वेंदे पे ठीक है ताजियत वास्ते ते हुण हाज साहब भी आ गए ते जनाजे ते कठे आसे जनाजा पड़िया आसे ते हुण वत वेने उथा ताजियत वास्ते एज अ वसेब एज अ हमसाए एज अ ताल्लुक रिश्तेदारी होवण दी वजह तों वणना चाहिदा क्योंकि इंदे नाल कहीं दा गम जेड़ा है ना असा घिन कोई नहीं आवणा होंदा ये जस्ट ये होंदा है कि जितनी देर असा वैसूं या कोई बंदा भी वैसी उत्थे ताजियत वास्ते तां उतनी देर जेड़े बंदे दा नुकसान थिया होंदा है जेंदा कोई लगा वेंदा प्यारा तां उंदा ओ गम जेड़ा ना ओ हल्का थी वेंदे वणना लाजमी चाहिदा इंदे नाल ए है भी बंदा गम शेयर कर गिंदा उतनी देर ओ बंदा सुकून च आ वेंदा हौसला थी वेंदा ना भई अपने कोई नाल सारे हां सारे नाल खड़न थे मतलब अपने बंदे जेड़ा ना ओ सारे नाल है पॉजिटिव गाल करनी चाहिए ताकि परले दा हौसला बधीचे हौसला मजीद वधे ए ना होवे कि अस वणियो जो सही सारे वणन दा मकसद ए होवे कि ओ बंदा डिसार्ड कर देवे ओ उका ही रहे वणे ए एने ਮਹਾਰਾਜ ਇੰਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਜਾਇਜ਼ ਕਿਉਂ ਹੈ ਜਾਇਜ਼ ਇੰਝ ਹੈ ਬਈ ਉਹਨਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਡਿੱਠੇ ਨਾ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਮਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਗਏ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮਰੀਜ਼ 'ਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਸੀਰੀਅਸ ਹਾਲਤ 'ਚ ਐਂਡ ਹਾਲਤ 'ਚ ਅਤੇ ਉਹ ਨਾ ਆਖਣਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਮਾ ਫੌਤ ਹੋਇਆ ਆਈ ਨਾ ਗਾਮੇ ਦਾ ਨਾਨਾ ਹੈ ਆਏ ਟਾਈਮ ਆਈ ਉਸ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਆਏ ਨੱਕ ਦੀ ਗੋੜੀ ਇੰਨੇ ਫਿਰ ਗਈ ਆਈ ਅਤੇ 15 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਮੁੱਕ ਗਈ ਆਈ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨੀਆਂ ਸਵਾਣੀਆਂ ਯਾਰ ਹਾਂ ਬੰਦੇ ਅਕਸਰ ਦੀ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਨਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਮਜ਼ੀਦ ਉਹ ਜੀ ਸਟੋਰੀ ਕੋਈ ਪਿੱਛੋਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ ਹਾਂ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਜ਼ਹਿਨ 'ਚੋਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਪਾ ਦੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਪਾ ਦੇਣੀ ਉਹ ਕੋ ਹਸਾਓ ਖਿਲਾਓ ਉਹਦਾ ਉਹ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਾਲਾ ਕਢਵਾਓ ਬਿਹਤਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਚਲੋ ਅਸਾਂ ਤਾਂ ਮੁੜੋ ਹਾਜੀ ਸਿਆਲਾ ਦਿਨ ਮਹੀਨ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਰ ਮੌਸਮ ਦਾ ਮੇਵਾ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ ਯਾਰ ਉਹੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਅਫਸੋਸ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਬਈ ਯਾਰ ਬਿਲਕੁਲ 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 ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਜੰਨਤ ਦੇਵੇ ਇਹ ਵੀ ਅਸਾਂ ਨਹੀਂ ਆਦੇ ਪਏ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਆਣ ਕੇ ਬੰਦਾ ਫਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰੇ ਹਾਂ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬੰਦੇ ਕੋ ਮਾਹੌਲ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਰਲੇ ਨੂੰ ਦਰਦ ਦੀ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਹੋਵੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਦੀ ਜਰਾ ਇੱਕ ਤਿਮਾਰ ਕੀ ਆ ਦਿਉਂਦੇ ਹੋ ਤਜ਼ੀਅਤ ਤਜ਼ੀਅਤ ਕਰੋ ਹਾਂ ਉਹ ਰਿਲੈਕਸ ਹੈ ਮਕਸਦ ਰਿਲੈਕਸ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਰਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਬਸ ਉਹਨੂੰ ਗਮ ਭੁਲਾਓ ਗਮ ਭੁਲਾਓ ਪੁਆਇੰਟ ਟੂ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਗਮ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਕਰੋ ਕੰਮ ਮੁਸ਼ਤਰਕਾ ਹੁੰਦਾ ਯਾਰ ਖੁਸ਼ੀ ਗਮੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਪੂਰੇ ਵਸੇਬ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ 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 ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ सवेरे इंशाल्लाह सवेरे दा सीन सवेरे देखो इंशाल्लाह कैसा बनदा सो ई वीडियो ते थई एंड करन दे पए
वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट लाजमी करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, सब्सक्राइब तुसा करें ते कहने पे मजा नहीं आता, सब्सक्राइब करो। अल्लाह हाफिज़।